ओके, कुछ बच्चे पूछते हैं कि जेवलिन कौन सी लेनी है, स्टार्टिंग में किस जेवलिन से थ्रो करें। तो मैंने भी लगभग 2 साल इस जेवलिन से की है, और इस जेवलिन को 2 साल में जब जूनियर था तो ज़्यादा नहीं फेंक पाया, 58 के बीच में फेंकी है, 58 मीटर, ठीक है। माय पर्सनल बेस्ट विद बम्बू जेवलिन 58-60 मीटर जस्ट। तो ये इधर कर देता हूँ, उसके बाद आ जाती है अमेंटम, ट्रेनिंग के लिए जिनको लेनी है ट्रेनिंग, इससे ज़्यादा जाएगी, ठीक है। अगर ये 58 गई है तो नियर अबाउट 65-64 अगर आप डायरेक्शन सही देते हो, ये श्योर नहीं है कि ये अपने आप चली जाएगी, अपने आप कुछ नहीं जाता। तो ये अमेंटम की है, ये भी अमेंटम की है, तो ये जेवलिन ट्रेनिंग के लिए बाय कर सकते हैं। इनके अंदर फ्लेक्स ये देख सकते हैं, ऐसे दिखाऊंगा तो ये देखो हिल रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है निमित, निमित की 90 मीटर रेंज की जेवलिन है जिसकी ग्रीन टेल है, तो इसका भी ध्यान रखना आप, ठीक है। और ये आपको ये भी बाय कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए नहीं, ये कंपटीशन के लिए होती है। तो ये कॉस्टली जेवलिन है, ये तो मिल जाएगी आपको 700-800 में, ये 7000 के अराउंड है, अगर आप वहाँ बता देते हो मेरे बारे में थोड़ा डिस्काउंट शायद हो जाए। ये निमित की है, ये आपको नियर अबाउट 1 लाख के अराउंड पड़ेगी, ठीक है। एग्जैक्टली रेट नहीं बता सकता, अगर आप बोलो 90 की है, नहीं तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट है, ये भी ट्रेनिंग जेवलिन है, कंपटीशन में भी यूज़ होती है, बट इसकी रेंज ज़्यादा नहीं है, फ्लेक्स इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके ऊपर कहीं नहीं लिख रखा रेंज, तो फ्लेक्स 7.0 है, ये IAAF की सर्टिफाइड जेवलिन है, ठीक है। तो इसकी फ्लेक्स ये भी हिलती है बहुत ज़्यादा, तो ये भी ट्रेनिंग के लिए यूज़ होती है। ये नियर अबाउट 50-60 के अराउंड शायद पड़े, एग्जैक्ट नहीं पता इसका, तो ये भी अच्छी जेवलिन है ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट सबसे बेस्ट नाइक वालहला से थोड़ी पीछे नॉर्डिक एयर ग्लाइडर, जो सबसे परफेक्ट जेवलिन, मतलब ज़्यादातर मोस्टली थ्रोअर यूज़ करते हैं आजकल, वालहला यूज़ करते हैं, जिसके ये राउंड से होते हैं, ये येलो ऑरेंज से कलर के हैं, पैरेट कलर सॉरी। तो ये नॉर्डिक एयर ग्लाइडर है, ये आपको पड़ेगी लगभग 1.5 लाख की, ठीक है। तो ये जेवलिनों के बारे में स्टार्टिंग आप इससे ही करें, मैं नहीं कहता स्टार्टिंग में आप 2 लाख की, अगर आप बाय कर सकते हैं करो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो दूर जाएगी आपसे। आपकी टेक्निक ठीक है, आपकी परफेक्शन ठीक है, आपकी स्पीड ठीक है, आपका बैलेंस ठीक है, आपका कोऑर्डिनेशन ठीक है, देन थ्रो जाएगी। तो स्टार्टिंग थ्रो इससे जेवलिन से करें। इसके बाद छोटे बच्चों के लिए बताता हूँ कि क्या करना है उनको नेक्स्ट।